वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो देश में पहली बार फास्टैग रिचार्ज न होने पर भी चालान काटे जाने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब तक सिर्फ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ही चालान काटने की व्यवस्था है, मगर अब जहां एक तरफ देश भर में टोल नाके हटाए जाने हैं और चलती गाड़ी से ही टोल वसूली की व्यवस्था लागू करनी है, ऐसे में फास्टैग रिचार्ज न होने पर कार्रवाई के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अलग से नियम बनाने जा रहे हैं, जिसका मसौदा तैयार है और कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही इसे अमली जामा पहनाए जाने की संभावना है। परिवहन मंत्रालय की नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई वाहन बिना फास्टैग लगाए या फिर बिना शुल्क दिए टोल नाके से निकल जाता है तो उस पर जुर्माने के अलावा चालान तक की कार्रवाई हो सकेगी। फास्टैग और RC यानी रजिस्ट्रेशन भी ब्लैक लिस्ट किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इसे लागू किया जाएगा, उसके बाद देश के अन्य नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी इसे लागू किया जा सकेगा। देश भर में ऐसे कई हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट तो बहुत हैं, मगर हर जगह टोल नाका नहीं है। ऐसे में गाड़ियों को रोककर टोल वसूलना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, जिन्हें ध्यान में रखकर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS लागू किया जा रहा है। इसमें एक्सप्रेसवे पर नाइट विजन के हाई क्वालिटी वाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर यानी ANPR कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से चलती गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग के बार कोड को आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसके बाद गाड़ी गुजरने के बाद एडवांस सिस्टम के माध्यम से फास्टैग में मौजूदा बैलेंस से दूरी के हिसाब से टोल कट जाएगा। NHAI का मानना है कि सिर्फ सिस्टम के लागू होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो बिना फास्टैग रिचार्ज कराए गुजरना चाहेंगे या अपनी गाड़ी के नंबर पर फास्टैग ही नहीं लेंगे। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर चलती गाड़ी से टोल वसूली की योजना सफल नहीं हो सकती। अथॉरिटी के पक्ष में मंत्रालय ने फास्टैग रिचार्ज न होने पर कार्रवाई के लिए अलग से गाइडलाइन बनाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि गाइडलाइन से जुड़ा मसौदा तैयार है, जल्दी मंत्रालय कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति लेकर इन्हें लागू कर सकता है या फिर आंशिक फेरबदल को भी कह सकता है। परिवहन मंत्रालय के प्रस्तावित सुझावों में उन गाड़ियों को लेकर सख्त नियम हैं जिन पर या तो फास्टैग नहीं लगा या फिर रिचार्ज नहीं है। आइए अब एक नज़र नए सुझावों पर भी डाल लेते हैं। गाड़ी में अगर फास्टैग लगा है लेकिन रिचार्ज नहीं है तो एक सप्ताह में बिना जुर्माने के टोल शुल्क भर सकेंगे। गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा तो पहली बार में दोगुना जुर्माना और शुल्क भरने के लिए एक सप्ताह का समय मिले। एक सप्ताह के बाद दोगुना जुर्माना और भरने के लिए 30 से 45 दिन का समय। उसके बाद 4 गुना जुर्माना और फास्टैग ब्लैक लिस्ट किए जाएँ। 3 महीने में जुर्माने समेत टोल शुल्क जमा न करने पर फास्टैग और RC ब्लैक लिस्ट। संबंधित जिले के परिवहन विभाग को मामला ट्रांसफर, RC ब्लैक लिस्ट होने पर कोर्ट में जुर्माना भरना होगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मैसेज अलर्ट सिस्टम को पुख्ता करना होगा ताकि चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। नए नियमों के लागू हो जाने के बाद बिना शुल्क दिए गाड़ी गुजरती है तो NHAI और फास्टैग कंपनी की तरफ से वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर पर व ईमेल पर मैसेज जाएगा।
वाहन स्वामी को फास्टैग कंपनी की ओर से रिमाइंडर भेजे जाएंगे, जिनकी एक कॉपी ऑटोमेटिक रूप से NHAI और परिवहन विभाग के सिस्टम पर भी जाएगी। बिना शुल्क देकर हाईवे और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहन की 30 से 50 सेकंड की वीडियो फुटेज NHAI की तरफ से सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सके। इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके काम की हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।